अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस पर आ रहे हैं, लाइव सेशन में आ रहे हैं। इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइव सेशन में या एक वीडियो में आंसर्स देना, आपका रिप्लाई देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने जब तक कि आपके पूरे कमेंट्स के रिप्लाई देकर आप सेटिस्फाई ना हो जाए, इसके लिए नया ये सीरीज़ चालू किया हूँ कि चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है। आपका जो भी कमेंट्स रहेगा उसका रिप्लाई आपको एक वीडियो के ज़रिए मिल जाया करेगा, ताकि जो क्वेश्चंस है अगर उस तरह से रिलेटेड दूसरे सवाल भी, दूसरों के भी सवाल रहे तो सभी को वो रिप्लाई मिल जाए। तो आज का जो पहला हमारा वीडियो है, इसके तीन सवाल थे कि मानाटी स्कूल एंड टेट। दूसरा कमेंट था कि फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा, और तीसरा कमेंट है कि सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा। देखिए, पहला कमेंट है कि माइनॉरिटी सोसाइटी स्कूल के लिए भी टेट एग्ज़ाम कंपलसरी है क्या? तो इसका रिप्लाई है कि माइनॉरिटी जो सोसाइटीज़ होती है, जिनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, ऐसी सोसाइटीज़ के लिए TAIT ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंपलसरी नहीं है। उन्हें सिर्फ MAHA TET या CTET इम्तिहान ही ज़रूरी है, वही कंपलसरी है। उसके बेस पर डायरेक्ट वहाँ पर माइनॉरिटी स्कूल में अपॉइंटमेंट हो जाता है। सेकंड सवाल था कि टीचर भर्ती फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा। 15 अगस्त से टीचर भर्ती का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और उसका कंप्लीट प्रोसेस ये अक्टूबर के एंड तक पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होने की बात उन्होंने कही है। तो दूसरा यह सवाल ये आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट राउंड जो 30,000 की भर्ती का होने वाला है, उसके बाद सेकंड राउंड जो रहेगा 20,000 की या 25,000 की भर्ती, वो तो फर्स्ट राउंड में अगर खुदा ना खास्ता हमारा नहीं हो पाया तो सेकंड राउंड कब तक स्टार्ट होगा। तो आप जान लीजिए कि फर्स्ट राउंड कम्प्लीट होने के बाद अगर दी गई डेट्स पर ये राउंड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है अक्टूबर एंड तक, तो वहाँ से एक महीना आपको जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको स्कूल ज्वाइनिंग के लिए दिया जाता है, वो एक महीने का टाइम पीरियड, और उसके बाद पूरा 15 दिन का एक टाइम पीरियड की भी उनकी पूरी मालूमात इन्फॉर्मेशन रिटर्न वहाँ पर वापस जमा होने की, इतने लोग ज्वाइन हो गए और दीगर चीज़ों के लिए, इस तरह से एक महीना आप पूरा पकड़ लीजिए। तो 2 से 3 महीने टोटली, एक 2 से 3 महीने का टाइम सेकेंड टप्पा स्टार्ट होने के लिए लग सकता है। उसमें भी कैंडिडेट्स को एक्टिव रहकर हर चीज़ के ऊपर बारीकी से नज़र रखते हुए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी, और उसके लिए आपको कोशिशें करनी होंगी, रिक्वेस्ट करते रहनी होगी। तो अक्टूबर में अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड राउंड जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हो सकता है। सेकंड राउंड जनवरी या फरवरी में सेकंड राउंड स्टार्ट हो सकता है, ये भी एक अंदाजी डेट है। इससे पहले भी हो सकता है दिसंबर में, या फिर आगे भी बढ़ सकता है। एक जो अंदाज़ा लगाएगी तारीख, अक्टूबर में अगर कंप्लीट हो जाए तो उस हिसाब से जनवरी तक सेकंड राउंड स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ये नया हमारा जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की, ये कैसी लगी, इसका रिप्लाई हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपके जो भी सवाल आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से वीडियो बनाकर आपके रिप्लाइज दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये जो सवाल जिन जिन कैंडिडेट्स के उठ रहे हैं जहनों में, उनके सवाल क्लियर होते जाएँ और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और कोई भी जो तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या कम इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी का नुकसान ना हो।